क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी के साथ ये जिम्मेवारी दी है, तो उसको उसका व्याख्यान हर जगह करना ये ठीक नहीं है। मगर मैं गया था, बात करी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। सुनने में ये आया कि आप भाजपा हाईकमान से भी मिले थे, दो बार बागियों से मिलना, फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से परे हैं, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। जो चीजें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं, उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है, मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूं। सर, कल कैबिनेट की बैठक भी है, तो आप उसके बाद जाएंगे दिल्ली? वो मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊंगा। जयराम जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और ये जल्द सरकार गिरने वाली है, वो समय बताएगा ना। अभी तो मैटर कोर्ट में है, तो उसके बारे में तो मैं टिका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। व्हेन द मैटर इज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर टू स्पीक ऑन द मैटर दैट इज सब जूडिस। तो लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सरकार से आपकी नाराजगी भी दूर होगी सर? देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरे कोई मैल नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं, तो उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या? मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया, तो दोनों चीजों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी ईश्वर खड़ा है। विक्रमादित्य जी, चलो हो गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार पूरी तरह स्थिर है, आपने अभी भी एक बात कही। मैंने कुछ नहीं कहा है, वो हाईकमांड, मैंने ये कहा कि हाईकमांड अल्टीमेटली तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल, मैं वही, सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कॉल हैज टू बी टेकन बाय दी हाईकमांड। मैं तो उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूं। और ये भी कह सकता हूं कि मैं जो है, जो भी है, जो भी होगा, मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूं। ये मैं बिल्कुल साफ सदे से कहता हूँ। क्या है, किस तरह देखते हैं आप खड़गे जी ने उनको जो सचिव के पद से हटाया है, इस्तीफा दिया है, कार्यकारी वापसी के रास्ते तो लग नहीं रहे, लगता है अभी भी वापसी की संभावना? राजनीति में सब संभव होता है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, कुछ और चीजें भी होती है। तो अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे, ऐसा नहीं है, पर काफी चीज हमने भी अपने पूर्वजों से सीखी है, और कई चीजें ऐसी पहले भी आई। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति पहली बार हिमाचल में ऐसी बनी है, हो सकता है कि इस सर्कमस्टांसेस में पहली बार बनी हो, मगर ऐसी स्थितियां तो बहुत बारी प्रदेश के अलग अलग कोनों में, देश में आती है। तो राजनीति में कभी भी कोई दरवाजे खुले नहीं होते, और हमेशा के लिए कभी कोई दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर वो दरवाजे खोल दिए, उनको फिर से मुख्यमंत्री जो है वो एनडीए का बना दिया। तो ये चीजें राजनीति में चलती रहती है, यथास्थिति बनना और उसको बिगड़ना, ये यही राजनीति है। तो ये तो आप आगे आने